आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए, अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की तरफ। जो प्रदेश मुख्यालय पे हम इस वक्त मौजूद हैं, और आप देख रहे होंगे कि हमारे जस्ट बगल में ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये बालक दास यादव हैं, जो इंटरटेनिंग मैन कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के, जो कहते हैं कि अखिलेश भैया से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन भाभी हमारे लिए श्रद्धेय हैं, परम पूजनीय हैं। डिंपल भाभी हमारी घर की गार्जियन है, मालकिन है, जो भी कह लीजिए, और नेताजी के बहुत बड़े फैन हैं। इनको कई बार देखा गया, ये अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अखिलेश यादव जी आए हुए हैं, कुछ उनके पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन हमारी निगाह इन पर पड़ी, ये इंटरटेनिंग पर्सन। बालक दास, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी माहौल क्या है, मिजाज क्या है मियाँ? देखो, आज का मिजाज पूछो हमसे और चाहे कल का पूछो, आज 4 नवंबर है, कल 5 है, पूरा नवंबर भर तो सारे गेस्ट हाउस बुक हैं। अरे नवंबर कहाँ भैया, दिसंबर आ गया। हाँ, चल रहा, सही बात। आज 4 दिसंबर है और 2 दिन के बाद यहाँ बकचोदी लखनऊ में चलेगी, क्योंकि वो बरसी चल रही मंदिर वाली। 6 दिसंबर हाई अलर्ट रहेगा। आगे जो जिप्सी में सवार है तो हमारे सबसे बड़े अफसर है, इनको तो सीओ बनाना है। नेताजी के वफादार आदमी है, जो नेताजी के वफादार आदमी है वहाँ वीडियो गेम खेल रहे हैं पीपल के नीचे। जो सही बात है सत्य है, और जो असली कार्यकर्ता है वो कार्यालय के अंदर है। जो उनसे अच्छे हैं जैसे बीएम चौबे, विनय बीनू, हर नेता के तो गांड बाल मैं जानता हूं, साफ बात। 92 से पार्टी की मैं जो है पार्टी सेवा कर रहा हूं। हमारे सामने शादी हुई भाई साहब की, जो अंदर हैं मुख्यमंत्री हैं। सरोज नर्सिंग होम में दोनों जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, वो अस्पताल हो गया है बंद। आप ये बताओ कि नेताजी का भी हाल ही फिलहाल में एक बर्थडे मनाया गया उनका, मतलब प्रतिवर्ष होता है ये, लेकिन इस बार वो बर्थडे काफी स्पेशल था। आप अपने दृष्टिकोण से क्या समझे, नेताजी के लिए क्या तमन्ना है? इस बार सरकार बन रही है तो कैसी बन रही है, कितनी सीट आ रही है? देखो, जितनी हमारी साइकिल चोरी हुई है संघर्ष में उतनी सीटें आएंगी, जिसको शर्त रखना हो रख ले और जिसको करोड़ों में रखना हो रख ले। अगर आप ये न्यूज बिहार में पटना पाटिल पुत्र राजाराम के घर तक पहुंचा दें, जो यूनिसेफ के एमडी हैं, बहुत बड़ी बात है। और अगर आप इतनी हमारी न्यूज पहुंचाएंगे तो वासिन मिश्रा से बड़े पत्रकार हो, जितने हमारे खोपड़ी में टांके लगे हैं ऑपरेशन हैं उतने तो हमारे साइकिल में तिल्ली है नहीं। लेकिन हमको शाम को भाई मुगले आजम दारू जरूर पिला दो, तब तुम्हारे प्रचार हम कसके करेंगे। अब बताओ, इटावा में पुल गिर गया है, प्रदेश सरकार बहुमत में है, 300 से ऊपर सीटें हैं, कितने आदमी दब गए हैं, और योगी आदित्यनाथ जो 24 घंटा हमारे नेता जी, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं? 3 ऐसे नेता हमारे वर्ल्ड में हैं जो आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। नेताजी हमारे वर्ल्ड के टॉप के, वर्ल्ड के लीडर हैं, जिनका केवल इतना नाम ले लेता हूँ इंडिया के बाहर तो रोंगटे कांप जाते हैं। उनका नाम है, शेरे हिंद तो चले गए थे, शेरे हिंद चले गए, जो कुसुम राय के चक्कर में चले गए, निपट गए ऊपर, उनका नाम कल्याण सिंह, वो तो कुछ कर नहीं पाए। और नेताजी ने अपने बेटे को इतना पढ़ाया कि विकास की गंगा छोड़ दो, जो काम कर दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, दुनिया में न दूसरा नेता पैदा हुआ है न होगा। अच्छा, तीसरी चीज, टोपी वाले से पैसा कमा रहे, उसमें टोपी में केवल इतना लिखा मन से है मुलायम और इरादे पूरा। ये जहाँ पे खड़े हो जो लिखना चाहो, अरे पीछे नेताजी सुन रहे हैं, सुनने दो। जब तक कोई नेता दिन भर में 2000 गाड़ी नहीं खाएगा और सुनने की क्षमता नहीं रखेगा, वो जिंदगी में नेता नहीं बन सकता। आपको नेताजी डांटते नहीं क्या कि आप इस तरीके से बात उनके बारे में कह रहे हैं? आप उनके शिष्य भी बताए जाते हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं आप? 10 साल पहले हमको कार्यालय के अंदर से निकाल दिया गया था, हमने यही बात कही थी कि नेताजी सबसे पहले महिला शिक्षा सुरक्षा चिकित्सा परिवार कल्याण, और इसके अलावा एम्बुलेंस, जितनी हमने कहा था वो तो 2012 की सरकार से जब तक चली हमारे कार्यकाल अखिलेश यादव जी का चला, उसमें तो सारा काम खत्म हो गया। बताओ, राजनाथ सिंह जैसा घाघ आदमी, पहले देश का गृह मंत्री, उसके बाद कंडोम बना दिया है। रुकिए, 2024 में भाभी प्रदेश की चाबी और डिंपल भाभी के बारे में क्या कहते हैं? डिंपल भाभी विकास के पहिया, अखिलेश भैया काम बोलता है,
2024 में राजनाथ सिंह को बिहार का राज्यपाल बना के नरेंद्र मोदी खत्म कर देंगे। धन्यवाद।